हे हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस। एज देर वॉज अ डिमांड, कल IIT JEE का एग्जाम है और ड्राइंग के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की बात चल रही थी। सो इट वॉज लाइक एन हैक फॉर द ड्राइंग, हम किस तरह से अपने ड्राइंग्स को अच्छा कर सकते हैं और कैसे कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लिसन, दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस ऑल द डिटेल्स कि हम ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए। बट हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक थिंग कि हम इन चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं इन द एग्जामिनेशन, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइंग इज़ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबके लिए सेम स्टैंडर्ड सेट किए जाएँ। बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर सेइंग कि कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि पेंसिल इस तरह की होनी चाहिए, सो इट कैन बी चांसेस कि किसी के लिए पेंसिल दूसरी अच्छी लगती हो। बट आई एम टॉकिंग टू यू कि आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए। सो अभी आपके पास एक दिन है, तो यू कैन ट्राई इट एट योर होम प्लेस। अगर ट्राई करके आपको लगता है कि सही हो रहा है, सो यू कैन डू दिस थिंग। बट नेवर थिंक अबाउट इट, बिकॉज ड्राइंग एंड इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग। आपके हिसाब से भी कौन सी पेंसिल सही आती है, क्या तरीका रहता है आपका हाथ पकड़ने का, स्टाइल क्या रहता है, वॉट एवर यू वे, सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस। सो इट्स माई व्यू एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक इज सिलेक्शन ऑफ पेंसिल ग्रेड। सो एज वी नो, द पेंसिल कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, लाइक एच पेंसिल 1H, 2H, 3H, 4H। हियर यू विल सी लाइक H, 2H, 3H, 4H, and it is like HB is a normal pencil and B is like B grade, B. So B, so you can see. So there are so many different pencils and shades. So आप choose कर सकते हैं। अगर आपको light drawing करनी है, so you can use 2H. So H and B grade pencil, HB is considered as a normal grade. So B is softer than H. So if you actually making, if you are using the H pencil, you will see that like a smoothness is there. But in H it is quite hard. सो यू कैन एट लीस्ट ट्राई इट फ्रॉम एट योर होम। आई विल रिकमेंड यू कि मार्केट जाइए, वहाँ से लेकर जाइए दो पेंसिल, 2H, 4H। सो आइदर यू 2H, 4H, 2B एंड 4B आर द टू पेंसिल्स यू मस्ट कैरी। ओके, सो H एंड HB पेंसिल्स, इट इज़ लाइक प्रिमिटिव ड्राइंग्स, सो यू कैन यूज एच पेंसिल और HB। एक्चुअली पर्सनली आई बिलीव HB पेंसिल इज़ वन ऑफ द गुड पेंसिल जहाँ पर आप सारे काम कर सकते हो। बट फॉर पर्सनली आई यूज़ बी पेंसिल, 2B पेंसिल। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट फॉर मी, जहाँ पर मैं एक ईजी गाइडलाइन बना भी लेता हूँ, काम भी कर लेता हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो देयर इज थिंग, द पेंसिल कैन, वी कैन एक्चुअली डू दिस थिंग, इट्स अबाउट कॉनिकल पॉइंट। हाउ अवर पॉइंट शुड बी, लाइक जो पेन होता है, जो पेंसिल होती है, उसका पॉइंट कैसा होना चाहिए। कॉनिकल मीन्स लाइक दिस एंड चिसल मीन्स लाइक दिस, सो यू विल हैव लाइक दिस पॉइंट। हियर यू कैन डू दिस थिंग। सो फॉर ऑल ड्राइंग्स, इफ यू वॉन्ट टू मेक गाइडलाइंस, ड्राइंग स्केच गाइडलाइंस कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप ये वाला पेन यूज कर सकते हैं, ये वाली पेंसिल तरह से। और चिसल पॉइंट का मतलब होता है आपने एक इस तरह से पेंसिल बनाई और यू जस्ट कट डाउन लाइक दिस। तो शेडिंग के लिए यूज किया जाता है, शेडिंग, रेंडरिंग, ऑल दिस थिंग। सो हेयर यू कैन सी दिस थिंग, सो द पेंसिल इज लाइक। सो अगर आप ये वाला जो एक शार्प एज होती है और एक नॉर्मल एज होती है, सो शार्प एज से आप ड्रॉइंग को डिटेल में जा सकते हैं। यू वॉन्ट टू मेक अ डिटेलिंग, सो यू कैन यूज दिस थिंग। एंड फॉर दिस शेडिंग, इट कैन बी, दिस फेस कैन बी यूज। So this is for the edge grade of pencils. Next thing is pencil position in hand. आपकी pencil position किस तरह से होनी चाहिए। Listen, सबसे आसान तरीका देखिए ये है, if you are making this a paper और आप pencil को पकड़ रहे हैं, first of all, आपके जो distance होना चाहिए वो around 4 to 5 cm का होना चाहिए from the point of the pencil. So this is the point and it is like 4 to 5 cm. इट कैन बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन, लेकिन ऐसा भी नहीं वो पास कर रहे हैं, काफ़ी दूर कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड साइज इज 4 to 5 cm। एंड अगर आप लाइन सीधी खींच रहे, लाइक यू आर लाइक द लाइन लाइक वर्टिकल, यू आर प्लेइंग लाइक दिस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिस लाइन्स, सो आपको 50 to 60 degree पेंसिल रखनी है। सो इट इज लाइक, इफ आई से इट, एंगल हैज टू बी 50 to 60 degree। और जो आप कर्व लाइन खींचते हैं, लाइक आई एम यूजिंग दिस कर्व लाइक दिस और लाइक दिस और दिस, सो पेंसिल के जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 to 40 degree। सो दिस इज अ पेपर, और अगर आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, सो जो लाइन होगा इट विल बी 50 to 60 degree, और एक कर्व लाइन खींचनी है तो पेंसिल होगी थोड़ी सी स्लांट हो जाएगी 30 to 40 cm डिग्री। सो इट डिपेंड्स अगेन। नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। देखो एग्जाम में कोई भी चीज़ आती है, इट कैन बी फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर, इट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, ऑन स्पॉट ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग। ऑन स्पॉट का मतलब होता है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा एंड यू आर सपोज टू मेक द ड्राइंग ऑन द स्पॉट। एंड मेमोरी ड्राइंग की आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप एक बटरफ्लाई हैं और आप ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन थर्ड फ्लोर, कैसे होगा। सो दे विल गिव यू सम लाइक
कंडीशंस, और वहां आपको हिसाब से एक मेमोरी बेस्ड आपको ड्राइंग सोचना होगा. बट फॉर दिस टू यू नीड गुड प्रैक्टिसेस. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टू टीच हाउ टू ड्रॉ. सो बट अगेन हम कुछ मैम कुछ चीज कर सकते हैं जो हमारी ड्राइंग थोड़ी बेटर हो जाए. सो दिस आर द ट्रिक्स एंड ऑल दिस थिंग. अगेन जनरल नोट्स फॉर मेकिंग गुड ड्राइंग्स. अगर आप कुछ अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल ऑफ डिजायर्ड ग्रेड, क्योंकि जो पेंसिल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप शेडिंग कर रहे हैं यू आर यूजिंग 4H, वो नहीं होगा क्योंकि 4H काफ़ी हार्ड होती है और पेपर को ख़राब भी कर देती है. सो आपको शेडिंग के लिए, और अगर आप 2B या 4B पेंसिल यूज कर रहे हैं गाइडलाइंस के लिए, तो अगेन काफ़ी थिक होती हैं, बहुत मोटी लाइन खींचती हैं. सो आपको पेंसिल का जो ग्रेड है इट हैज़ टू बी राइट वन. रोटेट द पेंसिल स्लाइटली. सो देखो क्या होता है कि सॉरी अगर आप एक पेंसिल है यू आर यूजिंग, आपको एक लाइन खींचनी है, तो अगर आप इसको सीधा लेकर आएंगे तो क्या होगा कि जो आपकी जो पॉइंट होगा वो कहीं से फ्रैक्शन के थ्रू खत्म हो जाएगा. सो थोड़ी देर के बाद जो शार्प लाइन है वो थोड़ी सी मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस, और उसके बाद इस तरह से हो जाएगी. सो आपको करना क्या है कि आपको पेंसिल को रोटेट करते रहना है. आपकी थोड़ी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी कि वैन यू आर यूजिंग अ स्केल, जैसे आपके पास स्केल है यहाँ पर और आप लाइन खींचते हैं सीधे सपोज, तो पेंसिल सीधी ना खींच कर थोड़ी सी पेंसिल को भी रोटेट करते रहते हैं, सो दैट कि ये ऑटोमेटिकली ये जो जो एजेस हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो. ऐसा ना हो कि एक साइड उसकी ज़्यादा घिस गई है और दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं घिसी है. सो ये एक जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में बताया जाएगा कि हाउ टू यूज द पेंसिल, बट आई एम टेलिंग यू अगेन. सो रोटेट द पेंसिल स्लाइटली. साइज एंड प्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. आपके कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए साइज और उसकी प्लेसमेंट, आपने उसका साइज क्या होगा और उसकी प्लेसमेंट कहाँ रखनी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है. फॉर गुड कंपोजिशंस मार्क द सेंटर. अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अ लाइक सिलेंडर ओवर हेयर, सो फर्स्ट मार्क द सेंटर हेयर, देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल एक्सेस. सो आपको यहाँ पर बनाने हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस लाइक दिस थ्रू द सेंटर. उसके बाद आप बना सकते हैं, उससे क्या होगा आपका जो पूरी जो ड्रॉइंग आप बना रहे हैं इट इज कम इन टू द स्केल, पूरे स्केल के साथ आएगी. आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, प्रोपोर्शन के थ्रू ये आपको बनेगा. अगेन सो मेनी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन एंड स्केल. प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज अ बिग क्यूब एंड दिस इज अ स्मॉल क्यूब, वी कैन से ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है. सो वी कैन कंक्लूड टू से दैट इट इज 1:2. बट वेन आई डिस्कसिंग कि यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है और यहाँ पर विंडो है, when so it is a scale when we are comparing object A to B. But when we discuss different elements of the same object, for example we can say ki this is like 1 meter, 1 centimeter, 1 centimeter, so it is like the ratio is ki jo door hai uski height half hai, so it is become the proportions. ओके सो पेंसिल रेंडरिंग. अगर आपको शेडिंग करनी होती है, रेंडरिंग करनी होती है, उसके लिए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्यों हैं, व्हाई वी नीड टू डू पेंसिल रेंडरिंग, दिस इज फॉर ब्रिंग रियलिज्म कि एक तरह से पूरी जो सच्चाई है वो दिखल का है. इफ आई मेक लाइक इफ आई जस्ट मेक दिस एप्पल लाइक दिस, सो बन तो रहा है, दिख तो रहा है, बट इट इज नॉट लुकिंग द रियल वन, राइट? सो रियल को दिखाने के लिए, रियलिटी को दिखाने के लिए वी नीड पेंसिल रेंडरिंग. सो बट ब्रिंग रियलिज्म टू द ड्रॉइंग पेंसिल शेडिंग इज द बेस्ट एंड द सिंपल टेक्निक. अगर आप देखेंगे शेडिंग करने के लिए पेंसिल द बेटर और सबसे इससे ईजी कोई भी मीडियम नहीं है. इट इज नॉट ऑल द मीडियम्स आर क्वाइट टेक्निकल. कंट्रास्ट इज क्रिएटिंग बाई स्पेसिंग द लाइन, और आप कंट्रास्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी बन जाती है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटी है और आई कैन जस्ट मेक दिस लाइन स्टिकर, सो नाउ यू विल सी द कंट्रास्ट. और अगर मैं हल्का सा लाइक आई जस्ट मेक द थिनर लाइन अगेन, so it is a contrast. Differentiating light and dark tone of the line, so it is very easy. Location of the light source is very important. और जब भी आप rendering करते हैं, remember this part, जो आपको exam में check करता है examiner कि उसका कितना perception ना clear है. Light जो भी होगी it will come from a single source. ऐसा नहीं है कि दो तीन जगह से. यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, so like sunlight is there, या जो torch light है यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसकी तरह से ये दिख रहा है. So it is like a shadow will be love for this thing. और अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, सो यहाँ पर लाइट है, सो शेडो इन द डार्क पार्ट दिस पार्ट. सो हियर यू कैन सी दिस पार्ट, जो ये वाला फेस है ये सभी का बिल्कुल लाइट में. इफ आई एम जस्ट मार्किंग दिस थिंग, सो दिस इज द लाइट दिस पार्ट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए अभी कंपोजिशन के अंदर कि आपने एक तरफ लाइट इधर दे दी है और ब्राइट फेस आपने यहाँ पर बनाया है, कंसिडरिंग दिस कि यहाँ से लाइट आ रही है एंड यू आर मेकिंग दिस ब्राइट पार्ट. सो
आपके नंबर कटेंगे, मे भी कितना अच्छा क्यों ना हो, एग्जामिनर विल डिटेक्ट योर मार्क्स। सम क्रिएटिव क्लूज फॉर फ्री हैंड ड्रॉइंग, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ड्रॉइंग को अच्छा बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज यू कैन इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं कोई चीज पीछे है कोई चीज आगे है, द बेस्ट मीडियम इज टू ओवरलैपिंग द फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर इट इज वेरी मच क्लियर, सो टिन बॉक्स जो है वो बिल्कुल पीछे है एंड इट इज लुकिंग लाइक काफी इजी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो स्पून है वो काफी आगे रखी हुई है, दैट्स मीनिंग कि आपने ओवरलैप किया है। सो ऑलवेज यूज ओवरलैपिंग फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स। आप भी कोई ड्रॉइंग बनाते हैं उससे क्या होगा, आपकी जो आपकी ड्रॉइंग है उसके अंदर डेप्थ आएगी। क्लियर, सो यू हैव टू फॉलो दी ओवरलैपिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं लाइक सेम थिंग, साइज डिक्रीजेस विद ऑब्जेक्ट दैट दैट आर फार्दर अवे। अगर कोई भी चीज जो पास में है ड्रॉइंग की वो बड़ी ही दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पोल लाइट, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स हैं ये यहाँ पर बहुत बड़ी है और जितना दूर जाता चला गया है, सो इट इज लाइक मर्जिंग है, इट्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ परस्पेक्टिव। और आप ट्रेन की पटरी भी देखते हैं, सो दिस इज द जो ये वाला ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज क्वाइट बिगर देन इट इज रिड्यूसिंग ग्रेजुअली और यहाँ पर जाकर तो दिखी नहीं रही है, राइट हॉरिजन, इट्स अ वैनिशिंग पॉइंट। सो यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट साइज टू शो दिस लाइक द कौन सा ऑब्जेक्ट पास में है और कौन सा जाते ऑब्जेक्ट दूर है। एंड द चेंज ऑफ द कलर और टोन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। और अभी इसका मुझे नॉर्मली स्केच मिला नहीं है, बट हियर यू कैन सी कि जो आप ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं कौन सा पास है, यू कैन ऑल्सो यूज द डिफरेंट शेडिंग मटेरियल, डार्क कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं, उस चीज के लिए काफ़ी आप पेंसिल के थ्रू या हैचिंग के थ्रू या फिर शेडिंग के थ्रू भी आप ये चीज़ प्रमोट कर सकते हैं। मेकिंग ऑब्जेक्ट नियर एंड फॉर, देखो ये चीज़ देखा गया है कि दिस बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल दिस आर द थ्री इमेजेस ऑफ द सेम बिल्डिंग, राइट। सो मैंने होरिजन से कहाँ पर लिया है, सेंटर में लिया है, मैंने इसका ओरिजिन थोड़ा नीचे लिया है और मैंने इसका ओरिजिन थोड़ा ऊपर लिया है। सो फॉर क्लोज होरिजन लाइन शुड बी ड्रॉन ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको जी पास दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए ये होरिजन थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और आप दूर दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ रखना होता है। और आप दिखाते हैं बैलेंस है कि ज़्यादा दूर भी नहीं ज़्यादा पास भी नहीं है, सो होरिजन हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ द इमेज। सो दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड है। क्लियर, यहाँ पर आपको इमेज में देखने को लग ही रहा होगा। सो फ्री हैंड ड्रॉइंग एंड रेंडरिंग, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम ड्रॉइंग करते हैं और रेंडरिंग किस तरह से करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एच बी पेंसिल और मे बी बी पेंसिल टू ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कुछ मान लीजिए एक सेब बनाना है, यू वॉन्ट टू मेक एन एप्पल, तो आप उसकी पहले बनाएंगे इसके आउटलाइन बनाएंगे। सो आप एक नॉर्मली लाइक आप इस तरह से ले सकते हैं, एक्चुअली मैं सारे से बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम आएगी। सो यू कैन यूज द एच बी पेंसिल एंड ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, जब आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट सही बन गया है, बिकॉज इट इज इजी टू इरेज दिस टाइम, राइट। अभी अपन लगता है थोड़ा गलत बनाया है, फॉर एग्जांपल हियर यू सी दिस इमेज, तो इट्स अ गाइडलाइन, उस बंदे ने बिल्कुल आराम से गाइडलाइन बनाई है कि अच्छा मुझे लगता है कि ठीक है मेरी जो आईज आनी चाहिए इतनी आनी चाहिए। आफ्टर मेकिंग द गाइडलाइंस लाइक एच बी पेंसिल के बाद, यू कैन यूज टू बी पेंसिल फॉर द शेडिंग। पेंसिल शुड मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर आप बनाते हैं आपको हेजिंग करते हैं तो इस तरह से एक डायरेक्शन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है आपने स्ट्रोक यहाँ पर मार दिया फिर कुछ देर बाद इस तरह से मारने लगे, इट इज लाइक सो यू हैव टू फॉलो विद द सेम डायरेक्शन इन द पेंसिल फॉर द हैचिंग पर्पजेज। और एक बार आपको लगता है कि ठीक हो गया, देन यू कैन यूज 4B एंड 6B पेंसिल इन कंप्लीट ड्रॉइंग, बट हेयर मस्ट बी इन द राइट फॉर्म। दैट्स मीनिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक गिलास बनाना है और गिलास इस तरह का ना हो के आपने कुछ इस तरह का कुछ इस तरह से बना दिया। सो अगर आप ग्लास की जो फॉर्म है वो सही होना जरूरी है, तभी आप उसको रेंटिंग पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कम टू दी स्केल, स्केल भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप कंपोजिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर्स जो हैं, जो एमपी की जो बिल्डिंग है ये इतनी बड़ी नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ दिस ब्लॉक, लेकिन उसकी एंगल इस तरह से लिया गया है कि इट लुकिंग लाइक कि काफ़ी बड़ा है। सो स्केल मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक ड्रॉइंग है लाइक ऑफ फिशिंग कर रहे हैं और उनके हिसाब से उसके कितनी बड़ी फिश को पकड़ लिया। क्लियर, सेम चीज़ कि यहाँ पर जो वेसल है उसका साइज बड़ा है और यहाँ पर जो दिखता है छोटा दिखता है, और यहाँ पर दिखता है कि व्हेन यू चेंज समथिंग। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया यहाँ पर, इसका यहाँ चेंज कर दिया लाइक आपने पीछे इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, सो द सेम थिंग इट्स बिकम मोर लार्जर। सो दिस टेक्निक कैन बी यूज। अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं बड़ी चीज़ से तो उसकी जो साइज़ है काफ़ी छोटा हो जाता है, और आप उसको चेंज उसको कंपेयर करते हैं काफ़ी छोटी चीज़ों से तो उसका ऑटोमेटिकली साइज बड़ा लगेगा। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है, साइज इज सिमिलर, बट हेयर आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज लुकिंग लाइक स्मॉल छोटा है, बट यहाँ पर लगता है कि ये काफी बड़ा है।
सो दिस कैन बी यूज इन योर ड्राइंग्स। प्रपोर्शंस भी होते हैं, देखो प्रपोर्शंस क्लियर है आप कैसे उसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लोगो डिजाइन है, सो आई विल से कि जो ये प्रपोर्शन है ये 20% है और ये जो कटा हुआ है इसका कितने प्रपोर्शन होगा। सो प्रपोर्शन इज ऑलवेज इन द सेम एलिमेंट सेम ऑब्जेक्ट, सो यू कैन यूज व्हेन दे आर सेइंग कि आपको प्रपोर्शन बना कर कुछ कंपोजिशन करनी है। सो यू कैन यूज आवर द गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड आई हैव मेड सम स्लाइड्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, तो अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अराउंड 15-20 पोस्ट पहला होगी रूल ऑफ थर्ड्स एंड गोल्डन रेशोज, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी आप ये समझ लीजिए कि इफ़ यू आर यूजिंग द गोल्डन रेशोज फॉर दोज हु नोज वॉट इज अ गोल्डन रेशो, अगर आपको कंपोजिशन बनाना है सो यू ऑलवेज फोकस ऑन दिस गोल्डन रेशो। इसका फॉर्मूला सिंपल है, देखो एक गोल्डन रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, एक अनुपात होगा। अनुपात इज समथिंग की एक लाइन है तो इट विल डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल जो रेशो निकल कर आता है ये एक लाइन है पूरी, और मैंने एक ऐसा पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पर, वो पॉइंट कौन सा होगा कि अगर मैं इस इतना द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ए बी एंड सी, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपॉन बी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन ए डिस्टेंस लेट बी ए बी एंड सी, सो रेशो इज विल बी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। सो हेयर इट इज वेरी मच क्लियर, सो यू हैव टू गन अ पॉइंट, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू बी एंड हेयर इट ओवरऑल लेंथ इज ए प्लस बी, सो गोल्डन रेशियो विल बी ए अपॉन बी, दैट इज ए अपॉन बी, दिस इज अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी द फुल लेंथ ए प्लस बी अपॉन एंड द बी ऑल्सो ए इज। सो जो रेशो निकल कर आता है यू रिमेंबर दिस रेशो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1.6180 आप एटलीस्ट 1.61 तक याद कर लीजिए। साथ अगर आपको लोगो डिजाइन करने के लिए आता है और आप इसको अंदर दिखाते हैं कि यू हैव यूज दिस प्रोपोर्शन, तो आपके आपके ऑटोमेटिकली नंबर एग्जामिनर ज्यादा देगा। सो आपको ये दिखाना भी बताना भी कि आई एम यूजिंग दी गोल्डन रेशो। अगेन रूल ऑफ थर्ड्स, रूल ऑफ थर्ड्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई भी कैनवास है, कोई साइज है, कोई भी आपके पास एक पूरी इमेज है और आपको इट वॉज लाइक कि हम कोई भी कोई फ्रेम देखते हैं, यू जस्ट ओपन दिस थिंग, सो आपकी जो पूरा जो अटेंशन होता है इट हैज़ बीन सीन की जो अटेंशन होता है ये हमारे जो इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल कि जो मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ का आप उसको इन इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखें। जैसे यहाँ पर आपको आ सकता है कि लैंडस्केप बनाइए, तो लैंडस्केप तो कहीं बना सकते हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस थिंग जो यहाँ पर जो ये लाइटिंग हाउस है, लाइट हाउस है, तो इसको इंटरसेक्शन पर दिया गया है और जो हॉरिजॉन है ये उसके लाइन पर हॉरिजॉन बनाया गया है। सेकेंड थिंग, सो इट इज लुकिंग मोर इंटरेस्टिंग, अगेन द सेम थिंग, तो यहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ की गई है गोल्डन रेशो रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से। सो अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है इफ आई मेक द आई विल से कि आप एक काम कीजिए एक एप्पल बनाइए, सो इफ यू आर यूजिंग लाइक एप्पल सो यू विल से दिस इज एप्पल इज देयर और आपका सपोज एक कैनवस है, ये कभी प्रिफरेबल नहीं होता है बिकॉज इट इज सेंटर ओरिएंटेड। तो अगर आपको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो यू ऑलवेज प्रीफर कि आप इस तरह से इट इज लाइक यू डिवाइड लाइन ओवर हियर, सो यू ऑलवेज मेक लाइक दिस, सो इट विल लुक मोर बेटर, लुक इट विल लुक बेटर बैलेंस्ड। सो रूल ऑफ थर्ड्स कैन बी यूज इन दिस। यूज ऑफ कलर, आपको अगर एक कलर यूज करने हैं तो उसके लिए तो काफी कुछ आता है एंड वी नीड अ सेपरेट पीपीटी फॉर दिस एंड ऑफ कोर्स फॉर द नाटा एग्जामिनेशन दे आस्क इन वेरी डिटेल फॉर द कलर व्हील, सो देर कैन बी चांसेस कि इन जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ ना पूछे, बट वी शुड प्रिपेयर फ्रॉम अवर सेल्फ। सो आई विल टेक सम टाइम पीरियड, आई विल कम अप विद टू और थ्री स्लाइड्स, टू और थ्री वीडियोज और ऑन पीटीक्यू टाइप की हम किस तरह से कर सकते हैं। सो अगेन कलर ऑफ थ्योरी, सो कलर थ्योरी क्या होती है, वार्म एंड कोल्ड का इफेक्ट क्या होता है, कलर इफेक्ट कैसे काम करते हैं, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर ये आपको पता होना चाहिए एंड फॉर द ड्रॉइंग इट इज नॉट लाइक पता होना चाहिए, आपका इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, देर इज अ डिफरेंस। आपको नॉलेज है इंडिया के अंदर जितने भी एजुकेशन सिस्टम है वाई इंडिया वाई देर अनएम्प्लॉयमेंट कि लोग स्किल्स नहीं है, वाई बिकॉज दे नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं है उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है लेकिन उनको एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उनको ये तो पता है कि कंडक्शन क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, बट वेन दे कम इन द रियल कंडीशन उनको ये पता नहीं होता है कि इस नॉलेज को कैसे यूज करना है। सो सेम थिंग, आपको कलर थ्योरी पता होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे रट्टा पड़ा हुआ है रोड लर्निंग की, इसका कलर कौन सा मिक्स होता है ये आता है, बट यू मस्ट नो कि अच्छा ये कलर मैं यूज करूंगा उसके एप्लीकेशन क्या निकल के आएगा, वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वार्म एंड कोल्ड इफेक्ट्स, तो उसका ध्यान रखना है आपको। वॉट अबाउट कलर्ड पेंसिल्स,
और अगर हम कलर पेंसिल के थ्रू कलर कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल है, देखो सिंपल है आपको काम कैसे करना होता है। आप पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फर्स्ट यू मेक द लाइन दिस थिंग। आफ्टर सम टाइम जब आपको कंप्लीट हो जाए सो आप इसे लाइन बनाना स्टार्ट करें, उसके बाद यू स्टार्टिंग लाइक दिस। तो इस तरह से आपकी पूरी अच्छी की शेडिंग हो जाती है। यू कैन यूज दिस टेक्निक बाकी। और हाँ एक चीज और है, दिस टेक्निक आर यूज बाय मी ओनली, राइट। सो मैं काफ़ी फैमिलियर हूँ इन चीज़ों से, लाइक फैमिलियर हूँ। आपसे भी आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी टेक्निक वहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर यू वॉन्ट टू डू एक्सपेरिमेंट सो राइट डाउन राइट नाउ, अभी ही टाइम है, टाइम कल के लिए काफ़ी बचा नहीं है। सो आपको अभी ही जाकर ये काम करना होगा। अभी पेंसिल को लाकर देखिए और आप देखिए कौन सा काम सही हो पाता है। सो दिस इज लाइक यू कैन यूज दी कलर पेंसिल लाइक दिस स्ट्रक्चर। अगेन टिप्स फॉर कलर एप्लीकेशन, और अगर आपको कलर यूज करना है तो कुछ ट्रिक्स कैसे यूज की जा सकती हैं। रिमेम्बरिंग प्राइमरी कलर्स एंड देयर बिहेवियर विद अदर कलर्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइमरी कलर्स आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है व्हेन यू मिक्स दिस कलर टू डिफरेंट कलर्स। तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर आपने बनाया और कुछ और ही बनकर आया, क्योंकि कलर इज समथिंग की वो ठीक से फिर यू कैन नॉट हैव दी लग्जरी टू करेक्ट अगेन। बाकी आप पेंसिल से बनाते हैं तो आप इरेज कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड, अगेन कीप कलर व्हील इन माइंड। और जब कलर व्हील बनाते हैं तो जब आप कलर यूज कर रहे हैं सो यू मस्ट नो व्हाट द कलर विल रिएक्ट, और ये दोनों कलर मिक्स होने के बाद कौन सी चीज निकल कर आएगी। फिल द कलर यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर कलर यूनिफॉर्मली का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट को कलर कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर है तो यहाँ पर काफी लाइट है और यहाँ पर काफी लाइट कलर, देन इट बिकम अ डार्क कलर। सो इट विल लाइक, लेकिन आप कुछ ऑब्जेक्ट में कलर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क हो गया है और रैंडमली बहुत लाइट कलर हो रहा है। सो इट हैज टू बी लाइक कलर यूनिफॉर्मिटी। अगर आप अपनी पेंटिंग में या ड्राइंग में चाहते हैं कि हार्मनी हो, फिल डार्क कलर ऑन स्मॉलर सरफेस। सो जब भी आपको डार्क कलर करना है तो कम एरिया में करें। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी डार्क कलर इज लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, एजेस में काफी कम छोटे पार्ट में किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डार्क कलर इज यूज वेरी लाइट फॉर्म। यहाँ पर भी देखिए सो यहाँ पर डार्क कलर यूज किए गए हैं, राइट। यहाँ पर कुछ पार्ट में डार्क कलर यूज किए गए हैं। सो डोंट यूज टू मच डार्क कलर इन योर ड्राइंग। फिल डार्क कलर ऑन स्मॉलर सर्फेस एंड वन कलर शुड डोमिनेट। एक कलर ऐसा होना चाहिए जो टपके पूरे के पूरे उसको डोमिनेट करे। फॉर एग्जाम्पल हेयर इन आई थिंक इन दिस टू पिक्चर्स द ग्रीन कलर इज डोमिनेटिंग। सो 50 to 70% जो जो डोमिनेट पूरी जो आपकी ड्रॉइंग होगी इट हैज टू बी डोमिनेट बाई वन और टू कलर्स, आइदर वार्म और कूल कलर थीम। तो आप जो चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको वार्म लेनी है या कूल कलर थीम लेनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस आर द टू इमेजेस। सो आपको देख के लग रहा होगा कि ये वार्म कलर कॉम्बिनेशन है और ये कूल कलर थीम। नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन यू ब्रिंग कंट्रास्ट इन योर इमेजेस। आपके फोटोज में आप यूज करते हैं तो कैसे कंट्रास्ट लेकर आ सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्लियर। सो कंट्रास्ट कैन बी लाइट वर्सेज डार्क, कि एक तरफ से लाइट हो सकता है डार्क हो सकता है, लार्ज हो सकता है एंड स्मॉल हो सकता है, एक तरफ बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, लो राइज हो सकते हैं स्काई स्क्रैपर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ज्योमेट्रिक हो सकता है, रफ हो सकता है, रफ के साथ आप स्मूथ यूज करें सो इट विल बी ब्रिंग दी कंट्रास्ट इन योर ड्राइंग। कूल एंड वार्म कलर्स एंड क्लासिक एंड मॉडर्न लाइक पेंटिंग और लाइक दी आर्किटेक्चर, क्लियर है। अगर आप बहुत डार्क कलर यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग डार्क कलर और एकदम से लाइट कलर आ जाता है सो इट विल बिकम दी कंट्रास्ट ओवर दिस। सो हेयर यू कैन सी दी कंट्रास्ट लार्ज एंड स्मॉल। यहाँ पर आई एम यूजिंग लाइक अ स्मॉल पेंसिल एंड हेयर आई एम यूजिंग द बिग बिल्डिंग, सो इट विल बी लाइक। और यहाँ पर वो छोटा सा प्लांट में यूज कर रहा हूँ, सो लाइक इन कंट्रास्टिंग थिंग। लो राइज एंड स्काई स्क्रैपर, यहाँ पर मैंने स्लम बना दिया लाइक दिस, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं लाइक दिस थिंग, और यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ी बुर्ज खलीफा टाइप की बिल्डिंग इस तरह से बना दी। सो ऑर्गेनिक वर्सेस ज्योमेट्रिकल। ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल आई मेक दिस बिल्डिंग लाइक दिस, यहाँ से एंट्री है यहाँ से जाता है, इट इज लाइक और कुछ इस तरह से लाइक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ, एंड आई एम मेकिंग दिस बिल्डिंग अगेन लाइक दिस। सो अगेन इट विल ब्रिंग द कंट्रास्ट इन योर फेस, रफ एंड स्मूथनेस इट इज वेरी इजी। कूल एंड वार्म कलर जो मैंने आपको पीछे दिखाया था इट इज लाइक दिस, एंड क्लासिकल एंड मॉडर्न, एक तरफ ना फोर्ट दिखा दिया और दूसरा हमने दिखा दिया पैरासेक्टर पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर। सो समझ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल स्मूथ एंड रफ टेक्सचर। सो यहाँ पर आपको देख के लग रहा है दे आर कंट्रास्टिंग, दे आर कंट्रास्टिंग।
यहाँ पर एक माउस है, एक एलिफेंट है, इट इज अ कंट्रास्टिंग द साइज, बिग एंड लार्ज एंड स्मॉल. सेम थिंग इज ऑल हाई राइज एंड लाइक लो राइज बिल्डिंग, और वी कैन यूज द ऑर्गेनिक वर्सेस ज्योमेट्रिकल शेप्स. अगेन क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न आर्किटेक्चर, हियर यू कैन सी इट इज अ क्लासिकल, अगेन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न आर्किटेक्चर. सो इट कैन बी यूज एंड देर कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग. और ऐसा भी नहीं एक साइज बड़ा छोटा भी उसके हिसाब करना है, यू कैन ऑल्सो यूज सम कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स एज वेल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग 2D एंड 3D कंपोजिशन यूजिंग गिवन शेप्स एंड फॉर्म्स. आपको अगर कुछ कंपोजिशन दी गई है, आप कैसे 2D 3D उनको बना सकते हैं. देखिए, आपको नॉर्मली जब कोई ड्राइंग बनाई जाती है, ट्राई अवॉइडिंग सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री में क्या होता है, आपकी ड्राइंग या पेंटिंग काफी मॉडर्न हो जाती है, ये ऐसा लगता है बोरिंग हो जाती है. सो यू हैव टू यूज एसिमेट्री नॉर्मली. सो जितना भी यूज करेंगे उतना आपका अच्छा होगा. सिंप्लीफाइंग शेप्स एंड अरेंज देम इफेक्टिवली. आपकी जो शेप्स होनी चाहिए काफी सिंपल होनी चाहिए, और उनको सही से अरेंज कराओ. ऐसा ना हो कि कहीं भी फेंक दिया, इट इज लाइक कि इट हैज टू बी एक्सिस हैज टू बी देयर. इलिमिनेटिंग अननेसेसरी एलिमेंट्स, इट्स लाइक इट्स एलिमेंट्स शेप्स एंड डिटेल. जो आपको जरूरत नहीं है उस पर ड्रॉइंग के अंदर, उसको हटा दीजिए. क्लियर. बींग अवेयर ऑफ निगेटिव स्पेस, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि निगेटिव स्पेस डोमिनेट कर जाए, या फिर निगेटिव स्पेस हो ही ना. क्योंकि अगर निगेटिव स्पेस ज़्यादा होंगे तो आपकी पेंटिंग बहुत बेकार लगेगी, और नहीं होंगे तो उससे भी बेकार लगेगी. सो यू हैव टू मैनेज, बिकॉज निगेटिव स्पेस एक्चुअली गिव द आई इज अ टाइम पीरियड फॉर कि आप सही चीज को दिखाने के लिए. ठीक. सो यूजिंग कंट्रास्ट, यू कैन ऑल्सो यूज द कंट्रास्ट, वो मैंने बताया किस तरह से यूज कर सकते हैं. यूजिंग एक्शन मोशन बैलेंस इट इज. कभी कभी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग बनाई जिसके अंदर वेव्स आ रही हैं, लाइक दिस. सो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मूवमेंट है. ऐसा नहीं है, पेंटिंग जो है, दे है पेंटिंग स्टेबल, बट इज दिस मूवमेंट इन दिस पेंटिंग. सो आपको देखना है मोशन आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए. चेंज द स्केल इन प्रोपोर्शन, कभी कभी आप स्केल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, सो दैट इट विल ब्रिंग द इंटरेस्ट इन द पेंट ऑन द व्यूअर. एंड यूजिंग टाइट एंड इंटरेस्टिंग क्रॉपिंग, आप चाहें तो कोई अच्छी क्रॉप भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट मेड दिस थिंग, दिस इज अ ए, इट इज लाइक नॉर्मल फॉन्ट. सो मैंने क्या करा, यहाँ से उसको काट दिया है, तो दिस थिंग लाइक इट इज गिविंग लाइक कि थोड़ा इंटरेस्ट हो क्रिएट हो गया है. सो यू कैन ऑल्सो यूज इन योर ड्राइंग्स. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, वॉट वी नेवर यूज टू डू, और हमें सोचना भी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टिनी स्केचेस ऑन अ बिग शीट. आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी शीट के ऊपर एक हल्का सा स्केच बना दिया, उनसे बोला गया कि आप एक बनाइए एक बिल्डिंग, और आपने क्या किया, यू जस्ट मेड दिस थिंग, दिस इज बिग साइज, और एक हल्की सी बिल्डिंग आपने बना खत्म कर दी लाइक दिस. तो दिस इज द इमेज, और आपने हल्का सा पांडा बना दिया. ये नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, खासकर एग्जामिनर के पास. सो टिनी स्केचेस ऑन द बिग शीट, वेन हॉरिजोंटल लाइन इन केप्ट इन द सेंटर, स्प्लिटिंग द कंपोजिशन जस्ट इन टू पार्ट. और आपने एक ऐसी पूरी की पूरी जो आपने जो कैनवास है, जो पूरी जो शीट है, आपने दो पार्ट डिवाइड कर दिया है, सेंट्रली दो पार्ट डिवाइड कर दिया, तो वही चीज़ है, फिर बोरिंग हो जाएगी. इन इन आर्टिस्टिक सेंस, वी डोंट बिलीव इन सेंटर, वी डोंट लाइक सेंट्रल सेंट्रल ओरिएंटेड इमेजेस. सो आपका भी नोटिस भी करना, फोटोग्राफ भी देखेंगे, जो अच्छी फोटोग्राफ होगी उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कभी सेंटर में नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल डिवाइड करता है. क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो आई की अटेंशन होती है डिवाइड हो जाती है. सो इट इज बेटर टू गिव ऑल द अटेंशन एट द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. सो यूज ऑफ शेप्स ऑफ सिमिलर साइज. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग क्या करेंगे, कुछ इफ आई से कि आप क्यूब देखकर बनाना है, तो आपने क्यूब ही रिपीट कर दी है. नो, यू हैव नॉट टू डू दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटर वाली चीज आती है, एक ऑर्शन डिवाइड कर दिया गया है. सो इट इज लाइक गेटिंग द, इट इज फीलिंग लाइक अ बोरिंग इमेज, इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ सेम है, और सेंटर ओरिएंटेड है, और आपको डिवाइड थोड़ी सी डिवाइड कर दिया गया है, द सेम एलिमेंट्स आर रिपीटिंग, बट इट इज गिविंग द बोरिंग इफेक्ट. बट इफ यू सेज कि आपको क्यूब के कुछ बनाना है, सो यू कैन यूज दिस थिंग. राइट, यहाँ पर एक क्यूब बड़ा है, स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम सेम, बट साइज इज वेरी, और इट विल गिव इंटरेस्ट फॉर द व्यूअर्स. सो नेक्स्ट थिंग इज ओके, एंड फॉर दिस थिंग कटिंग द कॉर्नर्स ऑफ विद शेप्स, प्लेसिंग द शेप्स जस्ट टचिंग ईच अदर. कुछ लोग क्या होते हैं, क्या आपसे बोला गया कि सर्कल लीजिए बनाइए, सो इट इज लाइक आपने ये किया, और उसके बाद आपने एक सर्कल ये बिल्कुल टच करा कर रख दिए, ये बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं. सो नेवर डू दिस थिंग, ऑलवेज यूज ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू मेक दिस लाइक सो आई विल रिकमेंड कि एक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक हमने छोटा यहाँ बना दिया, एक जो बीच में पीछे लगा आई है उसके बाद आपने थोड़ा सा अलग करा, उसके बाद यहाँ हमने छोटा कर दिया, सो लाइक दिस. सो नेवर लाइक नेवर यूज द सेम साइज ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर यूज लाइक कि दे आर टचिंग ईच अदर, यूजिंग यूनिफॉर्मली द ग्रे टोन ऑल ओवर द कंपोजिशन. आपको सेम ही कलर की ग्रे टोन आपने हर जगह अप्लाई कर दी है, उसका भी फायदा ज्यादा नहीं होता है. मेकिंग बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट. और जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ सामने आपके पास में है और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूर हैं और जो पीछे हैं, सो यू हैव टू बी गिव फोकस ऑन दोस ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल आपके फ्रंट में. ऐसा ना हो कि आपने बैकग्राउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी आपने एम्फेसिस दे दिया गया है और जो आगे वाले जो बहुत पास हैं उनको आपने उसको इग्नोर ही कर दिया. क्लियर? सो दिस थिंग आई हैव शोन यू लाइक दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पर्सपेक्टिव. सो पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको स्टाइलस के थ्रू बता पाऊँ, क्योंकि इसके अंदर दिखाना होगा कि कहाँ से कौन सी लाइन आती है. और ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि इसको एक या दो लेक्चर के अंदर या फिर 10 नहीं होगा. आई हैव टू मेक सो मैनी लाइक वीडियोज ऑन दिस पर्सपेक्टिव सीरीज, और उसके लिए मुझे अपनी लाइक आई हैव टू पुट माई कैमरा ऑन द टॉप एंड ऑन माई टेबल और माई ड्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद वो बताऊंगा किस तरह से काम होता है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पर ऐसी चीज आती है. स्टाइलस के थ्रू आपको पता नहीं चलेगा. सो फॉर पर्सपेक्टिव यू विल इग्नोर दिस टाइम. एंड अगेन इफ यू वॉन्ट टू गेट यू कैन फॉलो मी ऑन दी टेलीग्राम चैनल और द इंस्टाग्राम चैनल, इट विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. यू विल गेट ऑल द PDF विच आई हैव अपलोडेड इट नाउ. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड एवरीथिंग इट्स फॉर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट.